कुलधरा गांव, जहां आज भी है भूतों का निवास। सोचिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, रास्ते में कुलधरा गांव पड़ता हो तो आप क्या करेंगे? आपको पता लग जाएगा कि यह एक शापित गांव है, जहां रात को कोई भी नहीं जाता, या ठहरता तो वहां जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपको भी वहां शाम के बाद जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मना कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी कि क्यों इस गांव को ऐसा शाप मिल गया और क्यों यहां पर शाम के बाद कोई भी आता नहीं है। कहां पर है कुलधरा गांव? कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में 13वीं शताब्दी में बसा यह गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। यहां रहने वाले ये ब्राह्मण पाली से आए थे, इसलिए पालीवाल कहलाए। इस गांव के बारे में बहुत अधिक तो वर्णन किताबों में नहीं मिलता है, परंतु 1899 में लिखी गई इतिहास की एक किताब जरूर है, तवारीख ए जैसलमेर, जिसके लेखक लक्ष्मी चंद ने इस गांव का जिक्र किया है। इस किताब के अनुसार काधन नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आने वाला पहला व्यक्ति था और उसने वहां पर एक तालाब की खुदाई करवाई थी। इस तालाब को लोगों ने उधनसर नाम से बुलाना शुरू किया था। क्यों आज भी शापित है कुलधरा गांव? ये गांव शापित क्यों हुआ, इसका लिखित वर्णन किसी भी किताब में तो नहीं मिलता है। और एक पुरानी कहावत है कि इतिहास में नाम और तारीखों के अलावा कुछ भी सच नहीं होता, जबकि फिक्शन में सिवाय नाम और तारीखें के सब कुछ सच होता है। इसलिए निश्चित आधार पर इसके बारे में कुछ भी कहना शायद संभव नहीं है, परंतु इसके बारे में एक कहानी जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसी को ही सच माना जाता है। 19वीं शताब्दी में इस गांव का और इसके आसपास के इलाके का कामकाज यहां के मुख्य शासक सलीम सिंह के हाथों में था, जो कि एक बदचलन इंसान था और गांव की बहु बेटियों पर अक्सर उसकी गंदी नजर रहती थी। हद तो तब हो गई जब उसकी गंदी निगाहें वहां के मुखिया की बेटी पर भी पड़ गई। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उसकी बात मानकर वो लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो भयंकर टैक्स लगाएगा। गांव के लोगों को डराने के लिए और उसने लड़की को सौंप देने को मजबूर करने के लिए अपने सिपाही भेजे। गांव वालों ने उन सिपाहियों को अगले दिन सुबह लौटने के लिए कहा और उसी दिन रात में ही गांव छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले पवित्र ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि उनके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की, उनको बेहद डरावने अनुभव हुए। खासकर कि रात में यहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी, जिसके बाद लोगों ने यहां शाम के बाद आना ही छोड़ दिया। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, साथ में एक कमेंट भी कर देना। एमआर म्यूजिक के साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से आभार।